अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मुद्दसिन शाह और तमाम लोगों को क्रिकेट कैफ़े में खुश आमदीद कहते हैं। और आज मैं जा रहा हूँ घर से नेशनल स्टेडियम तक मैच देखने के लिए। आज का मेरा व्लॉग होगा, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फवाद अब्बासी और हुज़ैफ़ा ख़ान। अच्छा जी, फवाद को तो आपने देखा ही होगा सुपर मसाला पर, और इनका चैनल जो है इनके चैनल का लोगो भी नीचे आ रहा होगा, तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फूड व्लॉगर ही हैं। तो फवाद, कहाँ जाएंगे आज हम? आज हम जाएंगे नेशनल स्टेडियम घर से। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा घर से नेशनल स्टेडियम तक का सफ़र। चले जी, चलते हैं। ये आ गया है जी कराची शहर की रौनक, लकी वन मॉल आ गया है। यहाँ तक का हमारा रास्ता जो है कंप्लीट हो गया है, अब हम स्टेडियम की तरफ रवाना है, हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं अब अपने सफ़र की तरफ। मिलीनियम पर पहुँच गए, मिलीनियम हमारे रोड पर स्टेडियम जा रहे हैं, बहुत करीब है स्टेडियम के। ये फवाद भाई हमारे बाइक चला रहे हैं, हुज़ैफ़ा बीच में बैठा है और मैं पीछे बैठा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, इतने ट्रैफिक हम पार करने के बाद स्टेडियम में पहुंचने वाले हैं। स्टेडियम में पहुंचेंगे, आज पांचवें दिन का मैच देखेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड का। देखेंगे कि किस सिचुएशन में मैच है। आज मेरे ख्याल से मैं मैच देख भी नहीं पाया क्योंकि आज जुम्मा था, जुम्मे की नमाज़ पढ़ी, फिर और भी काम थे वो कम्प्लीट किए। अब जो है आखिरी दिन का मैच हम लोग देखने जा रहे हैं, तो अब स्टेडियम में मुलाकात। स्टेडियम से हम आ गए यहाँ पर ग्राउंड के अंदर, यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई, यहाँ से भाई हमें टिकट देंगे। ये हमने तीन टिकट्स ले लिए मेरे, फवाद के और हुज़ैफ़ा के। टिकट दिखाओ ज़रा। ये टिकट है हमारे, यहाँ पे 150 रुपये वाले, 150 वाले अवेलेबल नहीं थे तो हमने 250 वाले ले लिए। तो यहाँ पे भी हमने सामने बाइक पार्क कर दी इसी ग्राउंड के अंदर। तो यहाँ से अब चलेंगे स्टेडियम की तरफ, स्टेडियम में मैच देखेंगे क्योंकि मैच का टाइम जो है अभी ख़त्म होने वाला है, फिर दोबारा वहाँ से आपको अपडेट करेंगे। के अंदर भी मैं आ गया हूँ, पीछे मैच चल रहा है मेरे और बहुत ही अच्छा मैच चल रहा है। अभी सऊद और मीर अहमद जो है बैटिंग कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा आज का हमारा व्लॉग था। और यहाँ पर लोग भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर दिखाओ ज़रा कितने लोग आए हुए मैच देखने के लिए। ये हमारा जो है फर्स्ट क्लास का इंक्लूडर था, सारे लोगों को दिखाओ ज़रा पीछे से। ग्राउंड जो है फुल भरा हुआ है आज। आज जो है पाँचवें दिन का खेल है आज का, जो मुझे तो लग रहा है ये मैच जो है बराबर होने वाला है। मैंने तो देखा नहीं है, जो भाई बैठे हैं ये मुझे बताएंगे अभी, इनसे जब बात करेंगे। भाई हमारे साथ मौजूद है, ये बताइएगा क्या लग रहा है आपको मैच, किस तरीके का दिख रहा है स्टेडियम में बैठकर? टीवी पर बैठकर आप अक्सर देखते होंगे, स्टेडियम में कैसा लग रहा है आज मैच देखना? बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, और मेरा तो फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। और न्यूजीलैंड की टीम आई हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत। और ये बताया पाकिस्तान में सिक्योरिटी कैसी है भाई? ये टीम आई थी पहले भी न्यूजीलैंड, लेकिन वापसी चली गई थी, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि एशिया कप भी पाकिस्तान में ही होना है, इंडियन टीम नहीं आ रही है, बहाने बना रही है, तो सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त है, और जो हमारी यूथ है, यूथ बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। जो नई हमारी जो वो हुई है रिक्रूटमेंट, बहुत ज़बरदस्त हुई है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। और इंडिया को तो वाकई यहाँ आने में डर लगता है क्योंकि हमारी टीम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों का जोशो खरोश कितना ज़्यादा हाई है। यहाँ पर मैच जो है तकरीबन ड्रॉ होने के मुकाम पर ही, यहाँ पर मैच चल रहा है। पाकिस्तान ने 311 रन पर अपनी टीम जो है ड्रॉप कर दी है, अब जो है न्यूजीलैंड बैटिंग करेगा। ये भाई हमारे साथ मौजूद है, ये स्पेशली मैच देखने के लिए क्वेटा से यहाँ है। इनसे बात करेंगे कि भाई कितने दीवाने हैं, मतलब आप समझ सकते हैं इनसे ये मैच के कितने दीवाने हैं। सबसे पहले तो अपना तारुफ कराइएगा और ये बताइए कि क्रिकेट के कितने दीवाने हैं आप, क्वेटा से स्पेशली मैच देखने आए? वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोमिन खान है, क्योंकि मैं क्वेटा का रहिश पज़ीर हूँ और चमन में मेरा घर है, तो वहाँ से मैं स्पेशली ये मैच के लिए आया था। ये जो न्यूजीलैंड टूर पर आया था तो इसी के लिए आया हूँ। आज जब मैं आया था माशाल्लाह एक ऐसे सिचुएशन था जहाँ पर पाकिस्तान मुश्किलात का सामना था, यानी लंच के बाद पांचवी विकेट जब गिरी थी तो मुझे ये उम्मीद नहीं था कि ये मैच बचा लेंगे। मगर जब इसके बाद जब मैंने देखा था, उसके बाद वसीम आया था और अपना सऊद शकील आया था, इसने पूरा मैच बचाया और माशाल्लाह एक ऐसे स्टेज पर ला के खड़ा किया कि माशाल्लाह अब उम्मीद यही है कि माशाल्लाह हम जो है ये मैच ड्रा कर सकता है। भाई ये सुबह से आए हुए, इन्होंने पूरा मैच देखा, ये इन्होंने पूरे मैच की डिटेल भी मुझे बताई है। अच्छा तो एक बात बताएं, आपका फेवरेट प्लेयर कौन से पाकिस्तान टीम में? माशाल्लाह फेवरेट प्लेयर तो बाबर आजम है, इसी के लिए तो आया हूँ माशाल्लाह। बाबर आजम एक ऐसा स्टार प्लेयर है जिसकी अगर बल्लेबाजी की बात की जाए या इसकी बैटिंग की औसत बात की जाए, ये 3 सालों में माशाल्लाह इसने एक एक स्टेज मकाम बनाया कि वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बन गया। भाई बाबर आजम के सपोर्टर हैं भाई, बहुत ही उम्दा। और ये लड़के भी हमारे साथ बैठे हैं, बहुत ये मोहब्बत करते हैं, ये भी हमारे साथ आए। शुक्रिया जी आपका, बहुत शुक्रिया। हमें सुनाना भी चाहेंगे मैच के हवाले से, तो क्या कहेंगे आप? इन फैंटास्टिक डे इन द लास्ट ऑफ द फाइनल डे इन द
and the first test in the last half of the final day in Pakistan under the 38 targets in 17th hour into opener on the crease. And a fantastic player, Prem Babur Azam's in the world player, number one player in the batting average is a fantastic average in the ODI in the second flight, the seconds, and now the ODI cricket in the first player in up the words. क्या बात है भाई, इंग्लिश में पूरी कमेंट्री करके सुना दी इन्होंने, तालियां भाई इनके लिए, बहुत ही आला. In the second game, in the second innings, in flying from the starting from the New Zealand cricket teams, in flights under in 38 targets, winning in this first test match in Karachi. बहुत ही आला भाई, बहुत ही आला हो गया. क्या बात है भाई, क्या बात है. हाँ तो भाई, ये थी आज की हमारी वीडियो. कैसा लगा भाई नेशनल स्टेडियम में मैच देखकर? बहुत मज़ा आया भाई. ये हमारा एनकाउंटर हो गया और ये भाई भी कहते हुए जा रहे हैं भाई बहुत मज़ा आया. वसीम अकरम इंक्लूजर के अंदर बैठकर हमने ये वीडियो देखी यहाँ पर गेट नंबर 12 के अंदर. तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे किसी नई वीडियो के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ. आप हमें इजाज़त दें, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.